हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ। यूपीएससी की तैयारी ट्वेल्थ के बाद कैसे करें, या फिर ग्रेजुएशन के साथ कैसे करें। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी करो, बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, ठीक है, या अदर कुछ करो, ठीक है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ खास करके ये कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ और ट्वेल्थ के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं कोई मेंटर नहीं, ना ही कोई मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है ताकि कि मुझे एक्सपीरियंस हो, ठीक है। बस मैं एक अपने हिसाब से अगर कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो आपको हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ, तो मैं बात करता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद में आप अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तभी ये वीडियो आपके लिए कामयाब है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करोगे तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ध्यान रखना। मैं रोकना नहीं चाहता, ठीक है, और अगर सुनना चाहते हो तब भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी आने वाली नॉलेजेबल वीडियोज आपको समय पर मिल जाए। चलिए देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि ट्वेल्थ के बाद अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। ट्वेल्थ तक आपने जो भी स्ट्रीम ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीए अगर करते हो तो बीए से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट हो जाओगे आप, ठीक है। साइंस की तैयारी करोगे उधर ग्रेजुएशन में, या फिर इधर आप आर्ट साइड में जीएस जीके की तैयारी करोगे, जीएस की तैयारी करोगे, जनरल स्टडी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ना दो वे हो जाएंगे, और एक नाव पर जब दो पैर रखेंगे तो बीच में आप गिरोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। या तो फिर अगर साइंस बैकग्राउंड में जाना है तो पहले उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद फिर यूपीएससी में आओ, तो आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप बीएससी कर रहे हो और बीएससी के साथ अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और वो भी रेगुलर कर रहे हो बीएससी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। हालांकि अगर आप बीए रेगुलर से कर रहे हो लेकिन यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बीए में आपके जो भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और आप जो बीए में पढ़ोगे वही आपको ग्रेजुएशन पढ़ना, उसके ट्वेल्थ यूपीएससी के लिए पढ़ना। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि मैं जो है ट्वेल्थ के बाद में एसओएल से मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है। संडे सैटरडे क्लास लगती है लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, मैं खुद अपनी तैयारी भी लगा रहता हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं जाता नहीं क्लास में। उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, और ग्रेजुएशन में क्या है, मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एसओएल से, ठीक है। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदा है इसमें। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रेगुलर से करोगे या ओपन से करोगे। अगर बीए कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे हो। लेकिन अगर बीएससी साइड में जा रहे हो, साइंस बैकग्राउंड में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी अगर यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ करोगे तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीए कर सफिशियंट है अगर यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ करनी है, तो ध्यान रख लिया इतना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ट्वेल्थ के एग्जाम देने के बाद तुरंत ही एनसीईआरटी पर लग जाओ, और इसके बाद में एनसीईआरटी साथ में पढ़ो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही और ट्वेल्थ के तुरंत बाद ही, ठीक है। फॉर्म भर देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेगुलर से करना है रेगुलर से कर दो, नहीं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ग्रेजुएशन कराती है बीए, ठीक है। बीए में आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले सकते हो या प्रोग्राम ले सकते हो, ठीक है, तो ये कराती है, और आपकी संडे सैटरडे क्लास लगती है तो वहाँ से आप कर सकते हो। अन्यथा आपको बात बताऊँ मैं आपको कि आप उसके बाद में आप सबसे पहले अपनी पकड़ जो है सिलेबस पे बनाइए, और सिलेबस के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार की यूपीएससी एग्जाम पूछ रही है, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, किस प्रकार के आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है। यही मैंने किया, जैसे मैंने किया वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद मैं कब से और कैसे तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मैं कब से कर रहा हूँ, मुझे अभी तक मतलब एक साल करीब हो चुकी है, ठीक है। एक साल से मैंने ट्वेल्थ के एग्जाम नहीं हुए थे मेरे, प्रमोट जैसे ही हुआ मुझे लगा कि मैं प्रमोट हो गया, तो उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है। सिलेबस तो पहले ही देख लिया था मैंने, तो उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दी, और एक साल करीब हो चुकी है मेरी, एनसीईआरटी कवर होगी पूरी। इसके बाद एम लक्ष्मीकांत मेरी आधी हो गई है, मतलब अभी चल रही है ऐसी नहीं, रिवीजन तो बार बार मारनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। मेरे हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट होगी उसमें फिर बाद में नोट्स भी बना रहा हूँ ज्योग्राफी के, तो मतलब मेरी एक साल में मतलब इतना हो पाया है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई मतलब कोचिंग तो नहीं ले रहा, कोचिंग मेरी कंपलसरी नहीं है, मैं कोचिंग नहीं ले सकता, मैं ऑप्शनल तैयारी करूँगा तो कोचिंग लूँगा ऑप्शनल की। मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल कौन सा है, तो ऑप्शनल के लिए पीएसआईआर है मेरा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और
हाँ कैसे कर रहा हूँ तो आपको बता ही दिया मैं कैसे कर रहा हूँ तैयारी। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है अभी तो। और हाँ मेरे पास ना विजन आईएएस के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। विजन आईएएस के हर लेक्चर पड़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का पड़े हुए हैं। अगर आपको किसी को चाहिए तो मेरे पास संपर्क कर लें और इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @rnjit2, ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद में बात करें तो रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज की बात को बता दी मैंने कि क्या क्या है मेरे पास रिसोर्स, ठीक है। जितनी भी बुक्स हैं वो बुक्स की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। बाकी हाँ बाद में कुछ बच्चे पूछते हैं कि आप लाइब्रेरी कौन सी है मेरी, तो मेरी लाइब्रेरी है DPL लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़े, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज क्वेश्चन बन जाता है कहाँ से पढ़े। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, दो चैनल हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छे लगे हैं, एक दीपक यादव एजुकेशन और स्टडी वीर लवर, ठीक है, ध्यान रखना, बता दिए मैंने, दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल को जाकर के चेक कर लें आप, और जो अच्छा लगे उस पर, दोनों पर करंट अफेयर न्यूज़पेपर दोनों वीडियो आ जाती हैं डेली, ठीक है, उनको देखें और नोट्स जो जो बनाए बना सकते हैं। नहीं बाकी अभी करंट अफेयर न्यूज़पेपर की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर पूछती है ओनली, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं तो पढ़ता हूँ भाई, नोट्स भी बनाता हूँ साथ में। उसके बाद में कोचिंग लेना जरूरी है नहीं, कोचिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है, कोचिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी बेस्ट, मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे पता है। कोचिंग वाले गाइडेंस दे सकते हैं, आपको भगा नहीं सकते, आपको चला नहीं सकते, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो कोचिंग से कुछ नहीं होता आजकल ना, इतनी गाइडेंस जितनी कोचिंग वाले देते हैं उन्हें यूट्यूब पर पढ़ी पड़ी है, मैं भी आपको दे रहा हूँ, ये ऐसे ही कोचिंग वाले बताते हैं, कोई अलग से नहीं बताएंगे कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे, रिसोर्सेज कहाँ से लाओ, UPSC की तैयारी कहाँ से करें, NCERT वो भी बताएं, NCERT मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, वही हर कोई करता है। अब इसके बाद बात करेंगे 12th के बाद में तैयारी करने के फायदे क्या क्या है, ठीक है। 12th के बाद में तैयारी करने के फायदे क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि 12th के बाद में तैयारी करने के फायदे ये हैं कि ग्रेजुएशन में अपना टाइम बिगाड़ोगे। मुझे पता है कि ग्रेजुएशन में कोई सही से तैयारी नहीं करता, क्योंकि अगर खास करके BA कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएशन में 3-4 घंटे ऐसे ही पढ़ता है बस, और उसके बाद फिर कॉलेज देखता है, उसके बाद के बाद में कुछ नहीं, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी हो ही जाएगी, 3 साल आपको मिलेंगी ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th के बाद में तैयारी करने के फायदे ये हैं कि आप अगर ग्रेजुएशन के साथ में 3 साल आपको मिलती है, 3 साल अगर आपने तैयारी कर ली जम के, तो वादा करता हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दोगे, और नहीं तो इंटरव्यू देख लेना सत्यम गांधी का, ठीक है, सत्यम गांधी सर का, जिन्होंने 10th रैंक प्राप्त की है UPSC 2020 में, ठीक है, ध्यान रखना और उनको देख लेना, ठीक है। उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करी, और आज देख लो उन्होंने 10th रैंक के साथ में उसको UPSC निकाला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ UPSC निकाल देते हैं, तो आप भी निकाल सकते हैं। नेगेटिविटी जो है ना उसको दूर रखो। कुछ लोग ना बहुत सारे ऐसे आते हैं, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, इतनी कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या करूँगा मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो, मतलब बहुत सारी, हालांकि मेरा तक मोरल गिराने के लिए आ जाते हैं लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, अभी से क्यों अपनी मतलब उम्मीद तोड़ रहे हो भाई, आपके हाथ में नहीं है ना रिजल्ट देना, 12th का रिजल्ट देना आपके हाथ में तो नहीं था, उसके हाथ में था, आपने जैसा लिखा उसने एग्जामिनर ने आपके नंबर दिए होंगे, ऐसे मार्क्स दिए होंगे, वो रहा आपके ऊपर, आप कैसा परफॉर्म करते हो उनके सामने। तो अपने आप को किसी से कम मत समझो कि मुझसे कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी को हर समय अपने आप से साइड कर दो, बिल्कुल नेगेटिविटी को आप अपने पास मत रखो। तो यही मेरी एडवाइस है, UPSC की तैयारी कैसे करनी है 12th के बाद, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, ग्रेज और न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ना है, क्या कहाँ से करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी लोगों को शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और इतनी है, बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप डाल दो कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो जब क्वेश्चन पे आएगी Q&A की तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जितने थे, बाकी किसी का क्वेश्चन अगर रह गया हो तो दोबारा से पूछ सकता है, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।